श्रीमती रतन कंवर प्रधान पंचायत समिति जैसलमेर, श्रीमती अंजना मेघवाल सदस्य राजस्थान महिला आयोग, श्री भवन सिंह जी नाथावर जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर, श्री अमरदीन फकी पूर्व प्रधान पंचायत समिति जैसलमेर, श्री मनमोहन गहलोत समाजसेवी और जॉइंट चेयरमैन लायंस क्लब जैसलमेर, पधारे हुए सभी गण निदेशालय से पधारे हुए शिक्षा विभाग और समस्त सही चादर गोपाल राजकीय माध्यमिक विद्यालय जैसलमेर की तरफ से हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य मेहमान अध्यक्ष महोदय और विशिष्ट अतिथिगण विभिन्न परिचय कर रहे हैं। हमारे विभाग के मुखिया सीनियर राजेश, ये सभी टोलपुर भाइयों से परिचय कर रहे हैं और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। ये तालियां हमें जयपुर तक पहुंचानी है, आप सभी की मित्रों जोरदार तालियां हमारे आज के इस आयोजन के लिए, हमारे कार्यक्रम के मुख्य मेहमान के लिए, हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदया के लिए और सभी विशिष्ट अतिथि। कमरों से करवाया जाना है, व्यवस्था से जुड़े हमारे सभी साथी, निवेदन रहेगा हमारे विभाग के मुखिया राजेंद्र प्रसाद जी शर्मा और रेडियो कमल किशोर जी के हाथ से कि आप भी प्लीज मंच पे बैठे। शिक्षा विभाग और जिस जैसलमेर को ये मेजबानी का दायित्व सौंपा गया है, स्वर्ण नगरी जैसलमेर, और आज 20 तारीख को उद्घाटन सत्र जो ये प्रारंभ हुआ है, निवेदन कर दूं 24 तक जय घोष उस माता के नाम जिनके हम सभी पुत्र हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत। सभी से आग्रह रहेगा कि माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष पूजन कर आज के इस उद्घाटन सत्र का शुभारंभ करावें और इस अवसर पर अमर सिंह साकमल गोपाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जैसलमेर की बालिकाओं के द्वारा तैयार सरस्वती वंदना। निवेदन रहेगा सैनमेन से जो कि संस्था प्रधान है अमर शहीद सागर गोपाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की, और रेडियो कमल किशोर जी से निवेदन करूंगा कि आप स्वागत करें। व्याख्याता एवं श्री रजब अली सर से कृपया मंच की ओर पधारे और हमारे युवा सभापति ऊर्जावान। हमारे लिए बहुत ही गर्व और हर्ष की बात है कि बास्केटबॉल प्रतियोगिता हमारे जिले जैसलमेर में हो रही है और उसके लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, और सभी जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं उन सबके उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामनाएं उन्हें देती हूँ और उनके बहुत ब्राइट फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस देती हूँ। थैंक यू।